हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू द डिवाइन फैमिली। और ये है नेक्स्ट स्टेप आपकी वे टू प्रोग्रेस, वे टू सक्सेस वाली सीरीज के लिए। तो जिसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सी एनर्जीज अवेलेबल हैं और एवरी डे में, और कैसे आप उनका मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हो उन एनर्जीज का डिवाइन के साथ काम करके, ताकि आप सक्सेस की तरफ एक और कदम ले जाएं। तो आज के दिन जब भी आप ये इस वीडियो को देख रहे हो, आज के दिन आपके लिए एनर्जी अवेलेबल है एस ऑफ एयर की और टू ऑफ वाटर, जो है एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी कि यहाँ पर कोई ना कोई आपको इंट्यूटिवली मैसेज दिया जा सकता है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। कोई क्रिएटिव आपका कोई क्रिएटिव आइडिया हो सकता है, किसी भी तरह की इंस्पिरेशन आपको आ सकती है, कहीं से भी मिल सकती है, मीडिया पर या आपके खुद की थॉट से वो आइडिया आपको आ सकता है। आपकी इंट्यूटिव मैसेजेस आपको आ सकते हैं कि इस आइडिया के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। न्यू बिगनिंग है ये, जहाँ पर आपको खुद ही अकेले ही काम करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस आइडिया, ये जो आइडिया आपको दिया जा रहा है, ये आपके ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस आइडिया को यू नो इग्नोर मत कीजिए कि चलो कर लेंगे, या यू नो अवॉइड मत कीजिए, प्रोकेस्टिनेट मत कीजिए, इस आइडिया के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि ये बहुत सारी ग्रोथ लेके आने वाला है आपकी लाइफ के लिए और आपकी सक्सेस के लिए। यहाँ पर है, आप देख सकते हो कितने सारे यहाँ पे यूनिकॉर्न की एनर्जी है, मैजिकल एनर्जी है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, ये विंग्स बहुत ओपन हो रहे हैं, यानी कि आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रा ज़रूरी हो सकता है ये आइडिया, जो भी आज आपको इंस्पिरेशन मिलेगी या आइडिया मिलेगा। ये सबके लिए डिफरेंट, आपकी जॉब के लिए, आपके बिजनेस आइडिया हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी के लिए आइडिया हो सकता है, किसी भी तरह का आपकी क्रिएटिविटी के लिए हो सकता है, किसी भी तरह का ये आइडिया हो सकता है जिसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। ना ही तो सिर्फ आपको इसको ध्यान से इसके ऊपर काम करना है, माइंडफुल होकर प्लानिंग करनी है। साथ में आपके टू ऑफ वाटर ये दिखाता है, टू ऑफ कप की एनर्जी, ये वो आइडिया है जो आपको बहुत सारी हीलिंग लेके आ रहा है आपके लिए, और साथ में आपके थ्रोट चक्रा की हीलिंग लेके आ रहा है। यहाँ पे आपको जो स्वॉर्ड की एनर्जी होती है वो भी, और कम्युनिकेशन की, सेल्फ एक्सप्रेशन की एनर्जी होती है, कि हो सकता है कि आपको ये आइडिया कहीं ना कहीं टीच करना है। ये कोई आइडिया ऐसा हो सकता है जो आपको कम्युनिकेट करना है, किसी को बताना है, वो किसी को मोटिवेट करने के लिए हो सकता है। मोटिवेशनल स्पीकर आप बनना चाहते हो, उसके लिए आपको ये आइडिया चाहिए, न्यू इंस्पिरेशन चाहिए, कहीं से भी ये यू नो सेल्फ एक्सप्रेस करना अपने आप को। थ्रोट चक्रा कम्युनिकेशन के लिए होता है थ्रोट चक्रा, और साथ में थ्रोट चक्रा क्रिएटिविटी के लिए, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते, इमोशनली कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हो इन ए ब्यूटिफुल वे। तो ड्रामा में ना फंसकर आपको इस आइडिया के ऊपर माइंडफुल होकर प्लानिंग करके आगे बढ़ना है। टू ऑफ कप की एनर्जी ये भी दिखाता है, यहाँ पर ये आइडिया आपके लिए हीलिंग लेके आ रहा है, आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट की हीलिंग लेके आ रहा है, आप इस अपनी बिजनेस की, आपके पैशन की हीलिंग लेके आ रहा है। साथ में आपको डिवाइन के साथ, डिवाइन आपके रास्ते में ये आइडिया भी भेज रहा है, और डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं इस आइडिया को एक्शन यू नो प्रैक्टिकल रूप देने के लिए। यहाँ पर टू ऑफ कप ये है कि आप काम कर रहे हो, साथ में आपको हेल्प मिल रही है, इंट्यूटिवली हेल्प मिल रही है आपको, स्पिरिचुअल टीम आपके साथ रहेगी ताकि आप इस आइडिया के ऊपर अच्छे से काम कर सको। तो अगेन सुबह वाली इन्वोकेशन, सुबह वाली प्रेयर्स बोलिए और इस आइडिया के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। ना ही तो ये आइडिया आपको प्रोग्रेस की तरफ लेके जा रहा है, साथ में ये जो आइडिया आपको हीलिंग होगा, आपकी क्रिएटिविटी की हीलिंग है यहाँ पर। साथ में ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी डिवाइन गाइडेंस मिलती है आपको इस आइडिया के साथ, जब आप काम करेंगे, स्टार्ट करेंगे इस आइडिया के ऊपर, तो आपको उस डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करना है, अपनी ईगो को एक तरफ रख के इस डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करते हुए इस आइडिया के ऊपर काम करना है, एक्शन लेना है। थर्ड थिंग,
जब आप इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको आउटकम को नहीं सोचना है कि हाँ चैनल स्टार्ट करना है तो इसकी आउटकम क्या होगी, कितने सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे 1 वीक में, 1 मंथ में, क्या मुझे काम मिलना शुरू हो जाएगा राइट वे, कुछ ऐसा इस तरह की आउटकम के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। यहाँ पर डॉल्फिन मुझे ये बताती है कि जब इस आइडिया के ऊपर काम करें आप, तो कोशिश करें कि आप पूरी तरह से अपने आप को हील कर रहे हो, पूरी तरह से डूब गए हो अपने इस पैशन को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर है इस आपके आइडिया में। और साथ में ये आपको यू नो इन्जॉय कीजिए, इसको पैशन डालिए इसमें, अपना अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए क्रिएटिवली, जो भी आप जिस तरह से भी कर सकें। तो अगर आप फन के साथ इन्जॉय करते हुए इस आइडिया को वो करेंगे तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए हीलिंग भी होगा और साथ में ये आपकी सक्सेस के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप रिजिस्ट नहीं कर रहे हैं आउटकम के ऊपर। यू नो जैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि अपना कर्म कर्म करना है आपने, फल की इच्छा करनी है, लेकिन राइट वे आप काम खत्म होने से पहले आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझे इससे मिलने वाला क्या है, राइट आउटकम क्या होगी। लेकिन इस बात की मैं यहाँ पर अश्योर कर सकती हूँ कि ये डेफिनेटली डिवाइन की तरफ से आपको ये आइडिया दिया जा रहा है, जिसके ऊपर आपको काम करने की, एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरत है। तो कुछ मैंने स्टेप बता दी हैं जब इसके ऊपर काम करोगे आप। सुबह इन्वोकेशन बोलनी है ताकि डिवाइन गाइडेंस सारा दिन आपको मिलती रहे आइडियाज़, और आपकी यू नो टोटली आपकी इंट्यूशन से आप कनेक्टेड रहें जब इस आइडिया के ऊपर काम करें, आपको पूरी गाइडेंस मिलती रहे आपको, और पूरी तरह से आपको फोकस रहे कि इसको बिना आउटकम के सोचे आपको इंजॉय करते हुए इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे।